मेरा नाम रौनक सोपारी वाला है और यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने एक काम किया है जो वुड के ऊपर है। बेसिकली इट्स ए मिक्स मीडिया वर्क। इसमें मैंने इसका टाइटल मैंने दिया है द टाइम ऑफ रिंग। यानी आप देख रहे हो कि इसमें एक गेम बताई है जो टाइम के साथ हमारा गेम रहता है कि कभी कभी हमको टाइम के साथ फाइट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में तो उसमें हमको टाइम के साथ ही यानी प्ले करना है। तो मैंने यहाँ आप देख रहे हो कि जो मेरे गेम के जो भी है वो पूरे रिंग में घूम रहे हैं और वहाँ पे उसका मैंने दिखाया है। और ये मैंने जो पिलर्स दिखाए हैं ये पिलर्स है मेरी लाइफ के जो जो इनिशियल स्टेज था मेरी लाइफ का जो फाइन आर्ट्स ख़त्म होने के बाद वो पूरा 14 स्टेज में मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है कि आफ्टर 2003 टू 2016 किस तरह से मैंने मेरे फील्ड में काम किया है। तो अगर आपको ये वर्क अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और किसी से शेयर भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मेरे वर्क के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। हमारे ये शो का नाम आर्ट अफेयर है जो कि तकरीबन पिछले 4 साल से हम ये शो कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में ऐसे ही कैजुअल टी टाइम गोसिप के दरमियान हमें ये विचार आया था कि हमें कुछ यंग आर्टिस्टों को लेके कुछ सीनियर आर्टिस्टों को लेके एक शो खड़ा करना है जिसमें आर्टिस्ट खुद ही अपना काम रखेगा और उसको कोई कमीशन नहीं देना है किसी गैलरी को या इस तरह के कंसेप्ट पे ये पूरा शो खड़ा हुआ है। और हर साल हम अलग अलग जैसे फर्स्ट टाइम हमने ब्लैक एंड वाइट कैनवासिस पे काम किया था, उससे अगले साल पेपर वर्क पे काम किया था। ये टाइम हमने ये जो समय है समय की थीम दी हुई थी सारे आर्टिस्टों को तो सारे आर्टिस्ट ने अपना अलग अलग एक्सप्रेशन जो समय को लेके है इंडिविजुअल समय की बात है या ओवरऑल समय की बात की हुई है। और इसका टोटल इसमें ये शो में हमारे 24 आर्टिस्ट है ये समय के शो में और सारे लोगों ने अलग अलग मीडियम यूज़ करके काम किया हुआ है।